गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का सीरीज चल रहा है, हम उसमें कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, डिजाइन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को कैसे एड्रेस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मीनवाइल मैं आपके साथ कनेक्ट काफ़ी गैप्स हो गया था बिकॉज आई बिजी विथ अदर्स वर्क। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल सिस्टम में, जो पहले की सीरीज में मैंने आपसे डिस्कस किया था जीएक्सपी क्या होता है, जीएक्सपी असेसमेंट, वेंडर क्वालिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, वी मॉडल को मैंने डिस्कस किया है एंड वी मॉडल में सॉफ्टवेयर की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को फुलफिल करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। ओके, तो उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन। यू नो, स्पेसिफिकेशन की जो आप टर्मिनोलॉजी है, जो सर्टेन क्राइटेरिया आपने मेंशन किया है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू मीट द यूआरएस, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूआरएस का, उस एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर ले रहे हो कैटेगरी 1, 2, 3 और उस सॉफ्टवेयर का जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है किसी भी टूल में या किसी भी यू नो मशीन में, ओके, तो उसका एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे यूआरएस से मीट हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन। और एक सर्टेन लिमिट होता है स्पेसिफिकेशन में, क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा इफ यू आर फ्रॉम फार्मा आर एनी बैकग्राउंड, ओके, आईटी बैकग्राउंड, तो सर्टेन लिमिट्स होते हैं, ओके, एसए के, डीजो के, यू नो एन नंबर ऑफ एनालिटिकल टूल्स के, उसके एक एस्पेक्ट बनता है। तो वही हम उस सॉफ्टवेयर के हम एक कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन बना देते हैं। ओके, इन दैट इसमें करते क्या है, तो रिकॉर्ड सिस्टम सेटअप, ओके, सिस्टम सेटअप का मैं पैरामीटर्स को चेक करता हूं, उसके पैरामीटर्स के लिमिट्स क्या होंगे उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका प्रोसेस होगा इंटायर प्रोसेस, इनिशियल में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा, तो कंप्लीट प्रोसेस का कॉन्फ़िगरेशन का हम एक स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। और जो हमारा डेटाबेस होगा जिसमें हमारी सारी ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट्स मतलब सेव होगा, उस डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और किसमें, कॉन्फ़िगरेशनल सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। और जो फाइल का स्ट्रक्चर होगा, ओके, हम उसमें डिसाइड कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं, ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू, जब हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, तो हम उसके अनुसार से कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशनल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसका जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर होगा वो, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो विद इन द डीक्यू समरी रिपोर्ट होगा, ओके, और जो कॉन्फ़िगरेशनल सॉफ्टवेयर होता है उसका जो अपडेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल उसका जो होता है, ओके, कंप्यूटराइज सिस्टम का, हम उसको अपडेट करते रहते हैं, ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन है उसको आप मर्ज कर सकते हो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के साथ, ओके, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है सीएस का। हम लोग जगह अगर बात करेंगे डिजाइन स्पेसिफिकेशन की, तो आप जब कॉन्फ़िगर करते हो किसी सिस्टम को, तो आपका एक डिजाइन भी होना चाहिए,
कि वो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए डिजाइन क्या होगा। ओके, तो हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ द सिस्टम विल डिजाइन टू एग्जीक्यूट द फंक्शनलिटीज, जो उसका फंक्शन है उसका हम जो हमारा यूआरएस में दिया उसके फंक्शनलिटीज के अनुसार से हम एज पर यूआरएस। ओके, तो मैं आपको अगेन इसको क्लियर करूं, डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम विल डिजाइन टू एग्जीक्यूट फंक्शनैलिटी एज पर द यूआरएस। ओके, नेक्स्ट जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यही चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन किस मेन मेजर कैसे कंसिस्ट होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो होगा। ओके, वो हमारा दो पार्ट से होता है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट कितने पार्ट से होता है, दो पार्ट से, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। ओके, जो ये स्पेसिफिकेशन बनेगा आइदर वो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन हो या डिजाइन स्पेसिफिकेशन हो, तो हम जो यूजर होता है यूजर एंड पे, हम उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होते। ओके, तो उसका जो डॉक्यूमेंट उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो हमारा एसएमए ही करेगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको रिव्यू करेगा, और जो क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन होता है उसको क्या करेगा, वो भी रिव्यू करेगा एंड अप्रूव भी करेगा। ओके, जब आप बात करोगे सॉफ्टवेयर की एंड हार्डवेयर की, तो यूजर एंड पे हमें उसकी टेक्नैलिटीज क्या होगा, उसका जो कोड है कोडिंग है उसकी जो मैसेज पास होता है सिस्टम में जो आप, तो वो आईटी प्रोफेशनल उसके लिए होता है, तो वो सारे डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन को ये तीन पर्सन जो है रिव्यू करता है। ओके, जब वो रिव्यू होगा तो रिव्यू होने के बाद वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है किसी मशीन के साथ हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो उसको ऑथराइज कौन करेगा, उसका यूजर ऑथराइज करेगा। ओके, नेक्स्ट, अब मेन क्या होता है, जब वो आपको सबमिट कर रहा है, वेरी स्पेसिफिक, जब आपको डिजाइन कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन आपको सबमिट कर रहा है, तो वेंडर का साइन होना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज कि आप इन बिटवीन कोई चेंज ना हो जाए, तो इसलिए एक साइंड कॉपी हमें मिलना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको दिखाया कि अर्लियर भी मैंने आपको मेंशन किया था कि कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन मे मर्ज विथ डिजाइन स्पेसिफिकेशन, सेम यहां भी वही होता है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी को भी मर्ज कर सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन के साथ, आइदर कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन को मर्ज कर दो आप डिजाइन स्पेसिफिकेशन के साथ। आपका क्लियर हो गया कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है, हम ट्रेस करते हैं, इसके नाम से भी हमें उस मैट्रिक्स में हम ट्रेस करते हैं कि हमें व्हाट वी हैव टू डू इन दैट, जो कैटेगरी 4 और 5 का सॉफ्टवेयर होगा, मैंने आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बताई थी राइट, तो उस कैटेगरी का जो 4 और 5 का सॉफ्टवेयर होगा, ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, और उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, किसके लिए, कैटेगरी 4 और 5 के लिए, और कैटेगरी 3 के लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन वैलिडेशन करने के बाद हम वो सॉफ्टवेयर लाएंगे, उसका हम वैलिडेट करेंगे, उसके बाद हम एक रेफरेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन यहां पे वो नहीं होता है, पहले हम इसका आरटीएम बना लेते हैं। ओके, और ये आरटीएम बनाने के बाद जब उसी यूआरएस को हम टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं किसके अंदर, आरटीएम में ही, ओके, देन उसका वैलिडेशन पोस्ट वैलिडेशन इन आरटीएम करते हैं। ओके, जब आप बात करोगे आरटीएम करता क्या है, आरटीएम इंश्योर करता है आपके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को एंड वैलिडेशन को
कि एज पर यूआरएस हुआ है, ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है। ओके, आरटीएम का बेसिक फंडा वही है, वो ट्रेसेबिलिटी करता है। ओके, और आरटीएम जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है एंड कंट्रीब्यूशन, वो पीरियडिकली आपका यू नो अपडेट होना चाहिए। वो क्या करता है, इंश्योर करता है इन रिक्वायरमेंट जो हमारा लास्ट का यूजर है उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से वो टेस्ट करता है उसके फंक्शनिंग को, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आरटीएम के अंदर ही एक डॉक्यूमेंट होता है, हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब ट्रेसेबिलिटी हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, यू नो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। देन उस रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होने के बाद उसका एक जस्टिफिकेशन हम बनाते हैं। जस्टिफिकेशन होने के बाद जो नॉन ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट है ओके उसका जस्टिफिकेशन बनाते हैं। क्लियर, मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशनल सॉफ्टवेयर सॉरी स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड आरटीएम के बारे में। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको मैंने कंप्लीट थिंग मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटरफॉल मॉडल को देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे होता था, और सॉफ्टवेयर वाटरफॉल मॉडल में जो हम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन हमारे यू नो लाइफ साइंस के सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे कोरिलेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।